नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मिसी ट्रैक्टर की जानकारी के बारे में बताना चाहता हूँ। हेड के बारे में, हेड क्या काम करता है दोस्तों? आपको हम दिखाना चाहते हैं 3 पिस्टन इसके अंदर, और हेड के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। एग्जेट इंग्लैंड हेड का जो वाल है उसके बारे में आपको समझाएंगे और बताएंगे हम दोस्तों। अभी इनके दोनों वालों का क्या क्या काम है आपको हेड के बारे में बताएंगे, और इसके अलावा जो पिस्टन लग रहे हैं इसके अंदर, 3 पिस्टन है ये, 3 पिस्टन का काम क्या है? इनमें 3-3 रिंगें लगी हुई है सब में, और 3 ही पिस्टन अलग अलग तरीके के है। मतलब पिस्टन तो तीनों एक ही तरीके है, और 3-3 रिंगें लगी हुई है अंदर इनमें। आपको अब हम हेड के बारे में बताएंगे आपको अभी। हेलो दोस्तों, ये हेड है अपने ट्रैक्टर का। इनमें दो तरह के वाल लग रहे हैं। एक वाल का क्या काम है और एक कोर का क्या काम है ये बताते हैं हम आपको आज। इस वाल का काम है, ये साइलेंसर का वाल बोलते हैं जिसको, और ये भी साइलेंसर का वाल बोलते हैं, ये भी साइलेंसर का वाल बोलते हैं, ये एयर क्लीनर का वाल बोलते हैं, ये एयर क्लीनर का वाल बोलते हैं, ये एयर क्लीनर का वाल बोलते हैं। दोस्तों इनका नाम बताता हूँ आपको मैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन इंग्लैंड, और इसको बोलते हैं एग्जेट। एग्जेट का क्या काम है दोस्तों? हवा अंदर घिसना पिस्टन के यहाँ, और इंग्लैंड का काम है हवा बाहर देना, धुआं बाहर देना। इन दोनों वालों के काम ये है दोस्तों, आप ध्यान में रखना। इन दोनों वालों का काम अलग अलग काम है, और क्या क्या काम आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। दोस्तों हेड इस प्रकार का रहता है, ये ऊपर जो लगी हुई है एक हाइट है दोस्तों, ये एयर क्लीनर का ऑक्सीजन ऐसे घिसा जाता है। और दोस्तों फिर इसके बाद ये वाल की जो स्प्रिंग इस तरफ के लगती है, ऐसे वाल की आई स्लिप लगती है इसके अंदर, इस पोजीशन लगता है दोस्तों। ये हेड आपका कंप्लीट हो चुका दोस्तों, अब हेड फिटिंग होगा। ये दोस्तों ये गैस्केट का नया, इसके होल चेक करके आपको लगाना है। होल सब मिलना चाहिए, अगर होल सब मिलेगा सही साइड रहेगा, अगर होल नहीं मिल पाएगा ट्रैक्टर गर्मी खाएगा दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और इस पोजीशन से आपको फिटिंग करना है दोस्तों ये, और इसके अलावा पिस्टन में कचरा वगैरह भी देख लेना, कचरा वचरा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके और इसको फिटिंग करना आप दोस्तों। ये हेड के होल भी अच्छा साफ होना चाहिए, अगर होल सही साठ साफ हो गए तो गैस्केट पूरी तरह चिपक जाएगा, अगर पूरी तरह नहीं चिपकेगा तो ट्रैक्टर गर्म होगा, ये इसका बड़ी ध्यान देना आपको, ठीक है दोस्तों। ये गैस्केट इस तरीके से फिटिंग होगा दोस्तों, इसके होल सब मिलाना है आपको। अब हेड को लाओ आप, ये होल सब मिल चुके दोस्तों, अब हेड फिटिंग होगा इसमें ऊपर। बाद में लगाते हैं, इस तरीके से दोस्तों हेड को फिटिंग करना है आपको। हेड पूरी तरह बैठ चुका है, स्टड बाहर आ चुके हैं, देखो ये स्टड बाहर आ चुके हैं, पूरी तरह हेड बैठ चुका है। ये अपना समीर भाई मिस्त्री है, और इधर ये शोएब भाई मिस्त्री है, ये अभी हेड कसके बताएगा आप लोगों को। ये अपने समीर भाई देखिए, दोस्तों इस हेड का ये ध्यान रखना है आपको, इसको नंबर से कसना है आप लोगों को। एक नंबर ये है, दो नंबर ये है, तीन नंबर ये है, ऐसे हेड को कसना है, सभी को नंबर से कसना है, सबको एक साथ नहीं कसना है। अगर एक साथ आड़ा तेड़ा कसेंगे अपन तो हेड बिल्कुल चिपकेगा नहीं, इसके लिए अपनों को सब नंबर से कसना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर,
तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ऐसे कसना आपने वाइट सेट। ये सालनसर का मिनी फोल्डो लग रहा है, पैकिंग वेकिंग लगा के साफ सफाई करके इस तरीके से लगाना इसको। ये टेपिट चिड़िया भी कंप्लीट हो चुकी है, टेपिट चिड़िया भी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से जमाना है, आर एच एर एच के हिसाब से जमानी है इनको, इस पोजिशन से जमेगी तो साफ ही है। फिर टेपिट इस तरीके से मिलाया जाते हैं। कितने एमएम से मिला रहा है अमीर भाई टेपिट? 10 एमएम से। और इसके अलावा और किसी से मिलता है क्या? 12 से मिलता है ना। 10 एमएम में किस समय में मिला रहा है? मतलब किस टाइम पे मिलाना चाहिए? मतलब ट्रैक्टर ठंडा रहता है जब है। ठंडे में मिलाना चाहिए। ट्रैक्टर अगर गर्म होता हो तो फिर इसके बाद क्या करना चाहिए? 12 पे फिर और ज़्यादा गर्मी पकड़ेगा ट्रैक्टर से, क्या करोगे? मान लो सब सही साठ, उसके बाद में मान लो अगर टेपिट की दिक्कत है तो क्या करोगे? जब ट्रैक्टर गर्म होता है जब 10 एमएम मिलाना चाहिए, और ट्रैक्टर जब गर्म नहीं होता नॉर्मल से चलता है जब 12 एमएम से मिलाना चाहिए। दूसरा लोग क्या?